चर्चा में इस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हम एक मानवता की बहुत बड़े त्रासदी की चर्चा कर रहे हैं और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि उकस किसने उकसाया इसकी चर्चा हुई वो जरा महत्वपूर्ण है। मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं, मैं आपको ये दे रहा हूं पेन ड्राइव जिसमें पूरा रिकॉर्डिंग है और उसमें 5-7 मिनट में ही मैं बताऊंगा। बहुत लोगों ने उल्लेख किया है कि सीए पास होने के बाद रामलीला मैदान से आर पार की लड़ाई की बात हुई और जो नहीं विरोध करेगा सड़क पर नहीं उतरेगा कायर कहलाया जाएगा ये भी कहा गया। वहां शाहीन बाग में शर्जील इमाम जिन्ना वाली आजादी मांग रहे थे यानी देश तोड़ने वाली आजादी मांग रहे थे अन्ना हजारे एक मिनट इसमें सब कुछ है आपको मिलेगा एक मिनट ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ मैंने खुद बोला ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ। और दूसरा ये बोला कि असम को देश से तोड़ना है इसके लिए मंच तैयार किया था। आपके विधायक कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने कहा और अभी भी आम आदमी पार्टी के विधायक अभी भी है उन्होंने कहा कि ये पूरा हमारा सारा बंद कर देंगे अजान वगैरह सब बोला। ये उकसाना नहीं था तो क्या था? ताहिर के घर जो पार्षद के घर जो बम और फैक्ट्री मिली ये उकसाना नहीं था तो क्या था? प्रकाश जी मोदी शाह को मारेंगे ऐसा बच्चों से कहलवाया गया ये उकसाना नहीं था तो क्या था? और वारिस पठान 15 करोड़ और 100 करोड़ की भाषा करते हैं वो उकसाना नहीं था तो क्या था? लेकिन जो आ रहा हूँ बैठिए 2 ही मिनट हुए बैठिए। ऐसा है एक नाम लुधियाना के 21 फरवरी को एक जलसा हुआ वहां के पंजाब के शाही इमाम और मजलिस अरहर के इस्लाम हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोलते हैं? ये तुम्हारी दाढ़ियां पकड़कर खींचेंगे उस समय तुम्हें याद आएगा। आगे कहते हैं नहीं जागोगे तो तारीख में तुम्हारा नाम मिटकर रख देंगे ये लोग। हमारी बहु बेटियां खड़ी होगी हमारी गर्दनें उतार दी जाएगी हमारी बहु बेटियों को ये कुत्ते की तरह नोचेंगे ये याद रख लेना मेरी बात। ये क्या उकसाना नहीं है तो क्या है? मैं कह रहा हूं ना ये बोला है नाम है मौलाना हबीबुल रहमान। एक मिनट अरे यही तो मैं दे रहा हूं आप सबको लगे तो कल पेन ड्राइव देता हूं सबको दे रहा हूं टीवी में वही बता रहा हूं एक मिनट। मौलाना दारुल उलूम कलमिया पूनिया के प्रिंसिपल दारुल उलूम कलमिया पूनिया के प्रिंसिपल कहते हैं या तो इन काफिरों को जलील करेगा या फिर उसे कलमा पढ़वाकर उसे इस्लाम का केडर बना देगा। या तो अमित शाह रुसवा होके मरेगा या मोदी रुसवा होके मरेगा या फिर उनका बच्चा कलमा पढ़ के मुस्तफा का केडर बनेगा। इस्लाम की खिदमत मौलाना शहरे या रसा कह रहे अरे ये दिया है ना मैं लिखित दे रहा हूं ये ऑथेंटिकेट करके लिखित दे रहा हूं। ये एक प्रमुख सर प्रकाश इस ऑन अ पॉइंट ऑफ या दोनों आईलैंड की वन मिनट This was a program release of all the speeches. I have authenticated. I am submitting the pen drive for one you. 1 minute, please. Sir, I am on a point of order. We are discussing a very serious
issue, and which is also sensitive, then what has been said, it is in a context of the incendiary speeches, inflammatory speeches that have been made. When I spoke, we were conscious. So we did not take names. Yes. You particularly as per the rules, the names of people who cannot come and speak for themselves or explain, number one. Number two, no, that out. Please, well, allow me. Second, Javadekarji is a union cabinet minister. He is also the minister responsible for INB. He has produced something which he is now the property of the house. But my submission is, that's why I've raised it, that the minister should not be selective in giving facts or information to the house. Because there is something very serious which the Honorable Minister has said about the threat to the Union Home Minister and that, which is serious. If that is there, it is a very, very serious matter. And should be part of that inquiry, judicial commission to be set up under the, to be monitored by the Supreme Court, and the minister should. My submission is that minister should make available to the house all the recordings. He will be giving that. Please. Already said that. And I can give you also, this was broadcast on a very famous TV. All speakers have spoken. I have listened. And then I did the pen drive. One minute. मैं शर्मा जी की भावना को समझता हूँ. आप सबकी भावना को मेरी भी वही है. देखो ये समय भड़काने का, दोषारोपण का नहीं है. लेकिन एक तरफा आप बोलते रहोगे और देश सुनता रहेगा, ऐसा भी नहीं होगा. इतना ही मुझे कहना है. वाह वाह.